हाय देयर, इस वीडियो में हम वर्डप्रेस का इस्तेमाल करते हुए एक कंप्लीट प्रोफेशनल शॉपिंग वेबसाइट बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट का डेमो दिखाऊंगा कि जो वेबसाइट हम एट द एंड ऑफ वीडियो बनाएंगे, ये वो वेबसाइट है जो हम एट द एंड ऑफ लेक्चर हम बनाएंगे, ठीक है। इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं प्रोडक्ट लिस्ट हुए हुए हैं, उसके अलावा प्रोडक्ट को यूजर लाइफ टाइम में सर्च कर सकता है। जैसे ही वो कोई वर्ड लिखता है उसी वक्त वो प्रोडक्ट वहाँ पे डेटाबेस में सर्च होता है और जो प्रोडक्ट्स मैच करते हैं वो यहाँ पे लिस्ट हो जाते हैं। उसके अलावा यूजर प्रोडक्ट को एक फिल्टर, कलर के फिल्टर के साथ फिल्टर आउट कर सकता है। उसके अलावा यूजर एक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को देख सकता है। उसके अलावा यूजर टैग के साथ प्रोडक्ट को देख सकता है और जिस प्रोडक्ट की प्राइस एक स्पेसिफिक रेंज में हो उस प्रोडक्ट्स को भी देख सकता है। उसके अलावा जब प्रोडक्ट को यूजर सेलेक्ट करके ऐड टू कार्ट करेगा तो वो उसी वक्त लाइफ टाइम उसके कार्ट में ऐड हो जाएगा और ये पॉपअप उसके सामने आ जाएगा। उसके बाद यूज़र अपना कार्ट देख सकता है, यहाँ पे वो देख सकता है उसने कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐड किए। और आप देख सकते हैं कि पूरी वेबसाइट की यूआई काफ़ी बेहतरीन है। उसके अलावा यूज़र कूपन्स को ऐड कर सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि आप वेबसाइट में कूपन्स किस तरह ऐड कर सकते हैं और उनको किस तरह यूज़र यूज कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी टोटल जो है वो 8,000 है। ये जो कूपन है इसकी वैल्यू 50% ऑफ है। जैसे ही वो अप्लाई कूपन करेगा उसी वक्त ये कार्ट अपडेट होगा और ये देख सकते हैं कि अब टोटल सिर्फ 4,000 आ गया। उसके बाद फिर यूज़र प्रोसीड टू चेकआउट कर सकता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कंप्लीट प्रोफेशनल चेकआउट पेज भी हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे यूज़र जो फर्स्ट टाइम आएगा तो उसको अपनी डिटेल देनी पड़ेगी, नेक्स्ट टाइम वो डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। और मैं आपको बताऊँगा कि आप पेमेंट मेथड किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं, कि कैश ऑन डिलीवरी किस तरह आप लगा सकते हैं। और जैसे ही यूज़र प्लेस ऑर्डर करेगा उसका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और एक कंप्लीट बिलिंग हिस्ट्री उसके सामने आ जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि यूज़र का माई अकाउंट पेज हम किस तरह बना सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका डिज़ाइन भी बहुत बेहतरीन है और यहाँ पे वो अपने जो अभी तक उसने ऑर्डर प्लेस किए होंगे वो सारे ऑर्डर व्यू कर सकता है और उनमें से किसी भी ऑर्डर को देख सकता है कि उस ऑर्डर का अभी स्टेटस क्या है, वो प्रोसेसिंग में, और उस ऑर्डर की पूरी हिस्ट्री वो देख सकता है। और उसके बाद वो देख सकता है कि उसने किन किन प्रोडक्ट्स को विशलिस्ट किया हुआ है। मैं जल्दी से आपको एक दो प्रोडक्ट विशलिस्ट करके दिखाऊंगा। शॉप पेज में आने के बाद वो किसी भी प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट उसको पसंद आया उसको विशलिस्ट में ऐड कर सकता है। और जैसे ही वो विशलिस्ट करेगा ये आप देख सकते हैं पॉप उसके सामने आया और ये उसकी विशलिस्ट में ऐड हो गया। तो ये वेबसाइट हम आज के लेक्चर में बनाएंगे, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप लोकली वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें। और अगर आपको नहीं पता कि वर्डप्रेस लोकली किस तरह इंस्टॉल करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं कि वर्डप्रेस को लोकली किस तरह इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में आ जाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक कम्प्लीट फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है। डैशबोर्ड में आने के बाद सबसे पहले हम जिस चीज़ पर काम करेंगे वो होगा हमारी वेबसाइट का थीम। तो सबसे पहले थीम को चेंज करने के लिए हम थीम्स के टैब में आ जाएंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि हम कोई भी पेड थीम या प्लगइन यूज़ नहीं करेंगे, तो हम इस ट्यूटोरियल में जो भी चीज़ यूज़ करेंगे वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो आप यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च करें एलिमेंटर। एलिमेंटर सर्च करने के बाद, क्योंकि हम एक WooCommerce वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप स्क्रोल अप करें और ये आप देख सकते हैं BCF शॉप। आप सिंपली यहाँ पे डायरेक्टली ये भी सर्च कर सकते हैं BCF शॉप। जब आप ये सर्च करेंगे तो जो फर्स्ट थीम होगा और जो ओनली थीम होगा वो यही थीम होगा। आप इसको इंस्टॉल कर लें और जब ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद इसको एक्टिवेट कर लें। एक्टिवेट करने के बाद इस थीम के जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स होंगे ये आपको उसकी डिमांड करेगा कि आप उन प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लें। आप बिगन इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करें और यहाँ से सारे प्लगइन्स को सिलेक्ट करें और इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। अप्लाई पे क्लिक करें तो ये सारे प्लगइन्स इंस्टॉल होना शुरू हो जाएं। जब सारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाएं तो आपको ये पेज शो होगा। अगर आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करते वक्त कोई भी एरर आए तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे, मैं उसका जवाब दूंगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर। ये आपको दोबारा इसी पेज पे ले आएगा जहाँ से हमने सारे प्लगइन इंस्टॉल किए थे। ये प्लगइन इंस्टॉल हो गए हैं लेकिन अभी इनको एक्टिवेट भी करना है। आप फिर यहीं पर क्लिक करें, सारे प्लगइन सेलेक्ट हो जाएंगे, इस बॉक्स को क्लिक करके एक्टिवेट पर क्लिक करें और अप्लाई पर क्लिक कर दें।
ये सारे प्लगइन्स एक्टिवेट कर देगा। उसके बाद एक दफा रिफ्रेश कर, जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे, क्योंकि हमने एलिमेंटर इंस्टॉल किया था तो ये अपने गेटिंग स्टार्टिंग पे ले आया। आप डैशबोर्ड पे क्लिक करें और डैशबोर्ड पे आ जाए। डैशबोर्ड पे आने के बाद अगर कोई वार्निंग होगी तो ये आपको यहाँ पे शो कर देगा। अभी ये जो करंटली दो वार्निंग्स हैं ये अभी हमारे काम की नहीं है, ये प्लगइन की सेटिंग के रिलेटेड है, ये हम बाद में करेंगे। सारे प्लगइन्स इंस्टॉल करने के बाद आप एक दफा चेक कर लें कि प्लगइन सारे सही तरह एक्टिवेट हो गए। चेक करने के लिए आप प्लगइन्स पे ओवर करें और इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे क्लिक करें। यहाँ पे आप देख लें कि जितने भी प्लगइन्स हैं सारे एक्टिवेट होने चाहिए। हमारे सारे प्लगइन्स एक्टिवेट हैं। उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक और प्लगइन ऐड कर लें। वो प्लगइन क्यों रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अगर आप कोई न्यू पोस्ट या कोई भी न्यू पेज ऐड करने लगेंगे तो ये आपको इस तरह की यूआई नजर आएगी जब भी आप कोई न्यू पेज या पोस्ट ऐड करने लगेंगे। तो मुझे क्योंकि इसका क्लासिक वर्जन पसंद है, और अगर आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, मुझे क्योंकि इसका क्लासिक वर्जन ज़्यादा पसंद था तो मैं ये क्लासिक एडिटर ऐड कर लूँगा। आप चाहें तो ये ऐड कर लें और अगर आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। जैसे ही हम ये क्लासिक एडिटर ऐड करेंगे और उसको एक्टिवेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब जब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा क्लासिक वर्जन था वो आ गया है। और अभी के लिए आप ये सारी वार्निंग्स को क्लोज कर दें, क्योंकि हमारे सारे जो अभी प्लगइन्स थे वो सही से एक्टिवेट हो चुके हैं, तो मतलब हमारा जो अभी काम था वो सारा सही चल रहा है। उसके बाद अब हम इस वार्निंग को ख़त्म करेंगे। ये दोनों वार्निंग्स इस वजह से आ रही हैं कि हमने जो WooCommerce के एडोन्स थे वो ऐड कर लिए हैं, लेकिन हमने WooCommerce प्लगइन को ऐड नहीं किया। क्यों? जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि हम एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे, तो वर्डप्रेस में अगर आपने ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो जो बेस्ट प्लगइन इस काम के लिए वो WooCommerce है। तो हम सबसे पहले आप WooCommerce को इंस्टॉल करेंगे। WooCommerce को इंस्टॉल करने के लिए आप एड न्यू प्लगइन पे आ जाएं और यहाँ पे सर्च करें WooCommerce। जैसे ही आप WooCommerce सर्च करेंगे तो जो फर्स्ट प्लगइन होगा ये WooCommerce होगा। ये वाला प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है। आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में कोई भी शॉपिंग के रिलेटेड वेबसाइट बनानी है तो जो प्लगइन आपके लिए बेस्ट सूटेड है वो WooCommerce है। मतलब कि अगर आपने एक शॉपिंग वेबसाइट बनानी है, किसी भी कैटेगरी की शॉपिंग वेबसाइट आपने बनानी है जिसमें कि कोई प्रोडक्ट लिस्ट होंगे, जो आपके लिए बेस्ट प्लगइन है वो WooCommerce है। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आप उसको एक्टिवेट करें। जैसे ही हम इसको एक्टिवेट करेंगे ये दोनों वार्निंग्स गायब हो जाएंगी। जैसे ही आप WooCommerce को इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको अपने स्टार्टअप प्रोसेस में ले आएगा। स्टार्टअप प्रोसेस क्या है कि इसमें ये ना अपनी डिफॉल्ट सेटिंग करवाता है। आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इसको पहली दफ़ा कर रहे हैं तो मैं आपको इससे गो थ्रू करवाऊंगा कि इसमें क्या क्या सेटिंग होती है और आप उसको किस तरह कर सकते हैं।